Good morning, students. In today class, I am going to start chapter number 6. The chapter name is Combustion and Flame. In this chapter, we take a topic, what is fuel? Yes, what is fuel? The material which are burned to produce a large amount of heat energy are known as a fuel. जो जितने भी अमाउंट जो भी फ्यूल है वो बर्न होने के बाद में जो भी लार्ज अमाउंट में हमें हीट देते हैं तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं फ्यूल बोलते हैं. एग्जांपल वुड चारकोल पेट्रोल केरोसिन एक्सेट्रा. जो ये फ्यूल है फ्यूल यूज इन अ फ्यूल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ वेयर बिकॉज दे आर यूज इन अ होम व्हीकल्स व्हीकल्स इंडस्ट्रीज डोमेस्टिक यूजेस डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हम फ्यूल का यूज करते हैं. ठीक है तो हमने कहा हम डोमेस्टिक यूज कर रहे हैं हम इंडस्ट्रियल यूज कर रहे हैं जैसे वुड चारकोल पेट्रोल केरोसिन इन सब चीजों का और ऐसे सब्सटेंसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं फ्यूल. फ्यूल क्या होगा फ्यूल वो चीज है जो खुद बर्न होकर हमको क्या दे रही है हीट एनर्जी दे रही है. अब फ्यूल तो हमें समझ में आ गया कि हाँ भाई बर्न होगा और हमें क्या देगा हीट एनर्जी देगा. लेकिन एक आइडियल फ्यूल हम किसको कहेंगे यहाँ पर लिखा है ना आइडियल फ्यूल. क्या वैल्यूज होनी चाहिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक फ्यूल के अंदर कि उसको क्या कहा जाए आइडियल फ्यूल कि भाई ये फ्यूल सबसे अच्छा है इसको यूज करना चाहिए इसके अंदर ये क्वालिटीज हैं. तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी गाड़ी में ये आ रहा है यूज या हमारे डोमेस्टिक यूज में आ रहा है इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज आ रहा है तो उस फ्यूल में क्या क्वालिटीज नीडेड है. तो सबसे फर्स्ट क्वालिटी क्या है इट शुड बी फेयरली चीप एंड ईजिली अवेलेबल. सबसे फर्स्ट क्वालिटी हमारे पास में जो आती है कि एक तो ये क्या होना चाहिए चीप होना चाहिए और बहुत ही ईजी वे में हमारे को मिल जाना चाहिए. अब ऐसा नहीं है चीप तो है लेकिन मिल ही नहीं रहा है अवेलेबल ही नहीं है प्रॉपर अमाउंट में है ना तो वो गुड फ्यूल नहीं होगा. तो रेडिली या इजिली अवेलेबल हो और क्या हो चीप हो. इट शुड बी ईजी टू हैंडल और उसको हैंडल करना ईजी हो. ऐसा नहीं कि हमने बर्न किया कुछ हो गया उसको मशीन में डाल रहे हैं तब कुछ हो रहा है तो एकदम इजी हैंडल होना चाहिए. जैसे एलपीजी सिलेंडर है बहुत इजी हैंडलिंग है अपने लिए. पेट्रोल अपन गाड़ी में डलवा रहे हैं वो बहुत इजी हैंडल है ना. केरोसिन को स्टोव में यूज कर रहे हैं तो वो बहुत इजी है हैंडल करने के लिए. तो इट शुड बी इजी टू हैंडल एंड सेफ टू ट्रांसपोर्ट एंड कन्वीनियंट टू स्टोर. और हम स्टोर कर रहे हैं या उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो भी बहुत ही इजी वे का होना चाहिए. क्लियर. नेक्स्ट इट शुड बी बर्न स्मूथली. एक इसको बर्न कैसा होना चाहिए स्मूथली बर्न हो जाना चाहिए. इट शुड हैव अ हाई कैलोरिक वैल्यू. अपन व्हाट इज अ कैलोरिक वैल्यू अभी थोड़ी देर में अपन रीड करेंगे. इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल एंड इरिटेटिंग फ्यूम्स ड्यूरिंग बर्निंग. और इसके अंदर से कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज नहीं होना चाहिए जब वो बर्न हो रहा है. ठीक है अगर वो बर्न हो रहा है उसके अंदर से मान लीजिए पॉइजनस गैसेस या टॉक्सिक गैसेस रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगी तो क्या वो आइडेंटिकल होगा नहीं होगा वो हमारी हेल्थ को और एनवायरनमेंट को और ज्यादा हार्म पहुंचाएगा इसीलिए वो आइडियल फ्यूल नहीं होगा. नेक्स्ट वन इज इट शुड नॉट लीव अ ऐश आफ्टर बर्निंग. एक वो ऐश नहीं लीव करना चाहिए राख नहीं बननी चाहिए तो वो आइडियल फ्यूल नहीं है. ठीक है अब वुड जो है आइडियल फ्यूल नहीं है. क्यों नहीं है एक तो उसमें से हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं दूसरा वो इतनी सारी ऐश कर देता है इसीलिए हम उसको गाड़ी वगैरह में यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें इतनी ऐश निकलती है ना इस वजह से एज अ गुड फ्यूल यूज नहीं करते हम उसको. इट शुड नॉट इट शुड हैव अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर. उसका प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए. प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर का मीनिंग क्या हो गया ना तो बहुत कम होना चाहिए कि रूम टेम्परेचर भी बर्न हो गया भाई हमने रूम टेम्परेचर पे उसको ओपन किया और उसमें फायर लग गई है वो बर्न होना स्टार्ट हो गया. और ना इग्निशन टेम्परेचर इतना हाई होना चाहिए कि उसको इतनी सारी हीट दे दी है तब भी वो बर्न नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो एक गुड फ्यूल की जनरल क्वालिटी क्या है इट इज अ चीप वो चीप होना चाहिए रेडिली अवेलेबल यानी इजीली अवेलेबल होना चाहिए. थर्ड पॉइंट हमने कहा इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए. इट बर्न इजीली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट. वो इजीली बर्न हो जाए और मॉडरेट रेट पे ना तो बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर हो और ना ही बहुत ज्यादा इग्निशन टेम्परेचर हो फ्यूल का. इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और वो क्या करे बर्न होने के बाद में लार्ज अमाउंट में हीट दे. इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस. जो भी सब्सटेंस है अनडिजायरेबल सब्सटेंस है उनको नहीं रिलीज करना चाहिए ना तो टॉक्सिक गैसेस को ना ऐश को रिलीज नहीं करना चाहिए. तब ये सब क्वालिटीज जिस फ्यूल के अंदर होती है दिस फ्यूल इज कॉल्ड अ आइडियल फ्यूल. देयर इज अ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसीडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल. अब ये ऐसा है नहीं
कि ये सारी जितनी भी क्वालिटी हमने रीड करी है वो सबकी सब एक ही फ्यूल के अंदर आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आइडियल फ्यूल तो नहीं है, लेकिन हाँ ये क्वालिटीज है, मोस्टली क्वालिटीज वो फुलफिल करे तो वो हमारे लिए गुड फ्यूल हो जाएगा, जिसको हम एज अ फ्यूल यूज करेंगे। ठीक है, वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर यूज, ज्यादातर हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर दे तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक अच्छा गुड फ्यूल होगा। फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट, हर फ्यूल का अपना डिफरेंट कॉस्ट होता है। सम फ्यूल्स आर चीपर इन देन अदर्स, कुछ फ्यूल क्या होते हैं चीपर यानी सस्ते होते हैं दूसरे फ्यूल से। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल फैमिलियर टू यू, एक ऐसी लिस्ट बनाएं जैसे फ्यूल को आप जानते हो। और हम सबको पता है कि फ्यूल्स आर फाउंड इन अ थ्री टाइप्स, दे आर फाउंड इन ऑल्सो एज सॉलिड फॉर्म, दे ऑल्सो फाउंड इन अ लिक्विड फॉर्म, दे ऑल्सो फाउंड इन अ गैसियस फॉर्म। क्लियर, तो हियर इज अ टेबल, फर्स्ट वन सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल, फर्स्ट इज कॉल कैरोसिन ऑयल एंड नेचुरल गैस। क्लियर, तो सॉलिड फ्यूल में हम और एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, सो इसमें और एग्जांपल हम लिख सकते हैं कोक, चारकोल, वुड, वैक्स, ये सब एग्जांपल किसके हैं बेटा, सॉलिड फ्यूल के। ठीक है, लिक्विड फ्यूल में हमारे पास क्या एग्जांपल्स हैं, लिक्विड फ्यूल में हमारे पास एग्जांपल कैरोसिन ऑयल लिखा है, पेट्रोल हो सकता है ना, और डीजल हो सकता है, तो यहाँ पर हम इस टेबल में पेट्रोल एंड डीजल राइट करेंगे। नेक्स्ट गैसियस फॉर्म में हमारे पास और कौन सी, एक तो नेचुरल गैस है सीएनजी है, ठीक है, तो लिक्विड फाइव पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस नेचुरल गैस जो है ये हमारे गैसियस फ्यूल के एग्जांपल है। ठीक है, तो ये हुआ। नेक्स्ट है फ्यूल एफिशिएंसी, हमने पढ़ा कि एक अच्छा फ्यूल या आइडियल फ्यूल क्या होता है, जिसके अंदर कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो, हाई हो। तो व्हाट इज अ कैलोरीफिक वैल्यू, वो पढ़ते हैं। अब इसके अंदर कहा है कि सपोज करते हैं कि यू आर आस्क्ड टू बॉइल अ गिवन क्वांटिटी, आपको कुछ क्वांटिटी वाटर दे दिया और कहा है कि इसको क्या करो, बॉइल करो। ठीक है, अब आपको कह दिया फ्यूल, आप अपनी मर्जी से देखो कौन सा यूज करते हो, काउडंग यूज करते हो। ठीक है, गांव वगैरह में आपने देखा होगा काउडंग को सुखा कर उसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है, कोल यूज कर सकते हो, एलपीजी यूज कर सकते हो एज अ फ्यूल। इनमें से कौन सा फ्यूल यूज करोगे और आप उसको क्यों प्रीफर करोगे, विच फ्यूल वुड गुड फ्यूल वुड यू लाइक प्रीफर, आप उस फ्यूल को यूज करते हो और क्यों यूज करते हो, गिव योर रीजन, अपना रीजन भी बताना है। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो। टू दीज थ्री फ्यूल्स प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट, अब हम सोचते हैं कि क्या ये जो तीनों फ्यूल है सेम अमाउंट की हीट प्रोड्यूस करते हैं क्या। अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि कौन कितनी हीट प्रोड्यूस करता है, कितने अमाउंट में करता है और कौन सा अच्छा है, तो ये द अमाउंट ऑफ यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू की डिफाइन है, इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए, लुक एट दिस वेरी केयरफुली। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, लेकिन 1 kg फ्यूल बर्न हो तो कितनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज करे, 1 kg फ्यूल बर्न होता है तो कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो सब्सटेंस की या उस फ्यूल की क्या कहलाती है, कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। ठीक है, इट इज कॉल्ड अ कैलोरीफिक वैल्यू। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट, उसको एक यूनिट के साथ में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। कैलोरिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन लीवर, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है काउडंग है, तो उसकी कैलोरिक वैल्यू जो किलो जूल के अंदर है पर केजी के अंदर 600,800, वुड 17,000-22,000, कोल 25,000-33,000, पेट्रोल 45,000, केरोसिन आल्सो 45,000, डीजल 45,000, मीथेन 50,000, सीएनजी 50,000, एलपीजी 55,000 एंड बायोगैस 35,000-40,000 एंड हाइड्रोजन 150,000। तो इतनी कैलोरिक वैल्यू इन सब की होती है। ठीक है, तो अब आप बता सकते हैं कि काउडंग, वुड और एलपीजी, इन तीनों में से कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो किसकी ज्यादा है, तो हम देख रहे हैं किसकी ज्यादा है, एलपीजी की ज्यादा है, तो इसीलिए हम उस वाटर को बॉइल करने के लिए किसका यूज करेंगे, एलपीजी का यूज करेंगे, क्योंकि उसको गर्म करने के लिए बहुत जल्दी पानी जो गर्म होगा वो किससे होगा, एलपीजी से हो जाएगा। तो आपको पता पड़ा फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो हम इन मेजरमेंट से पता करते हैं कि विच फ्यूल इज बेटर। ओके,
बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड टू अ हार्मफुल प्रोडक्ट, जो फ्यूल बर्न होता है तो कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज करता है. द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट. क्लियर? तो इनमें से कौन सा फ्यूल जो है, देखिए कोई भी फ्यूल बर्न हो रहा है वो कुछ ना कुछ चीजें रिलीज करता है, ठीक है, एनवायरमेंट के अंदर. द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट. अब क्या एनवायरमेंट है, आप फ्यूल बर्न होगा तो कुछ गैसेस रिलीज होंगी, है ना, उन गैसेस के अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी, या कुछ टॉक्सिक गैसेस जो है वो भी रिलीज होगी. तो फ्यूल के बर्न होने के कारण कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट रिलीज होते हैं जो हमारे एनवायरमेंट को क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं. तो हमें कोशिश ये करनी है कि जहां पर जरूरत हो हम उन्हीं जगह पर इसको यूज करें. फर्स्ट हो गया, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर सेंचुरीज वुड वॉज यूज एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल ऑयल. बहुत वो पहले क्या करते थे, हम वुड को डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल में यूज क्या करते थे. बट नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय कोल एंड अदर फ्यूल्स लाइक एलपीजी. अब उनको रिप्लेस करके हमने क्या किया, कोल को यूज करने लग गए, एलपीजी को यूज करने लग गए. बट इन मैनी रूरल पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री, जो रूरल पार्ट्स हैं, जो गांव वगैरह है, वहां पर स्टिल अभी भी किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं एज अ फ्यूल, फ्यूल के फॉर्म में. तो फ्यूल की फॉर्म में जब हम इस वुड का यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स इजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट, क्योंकि एक तो ये इजीली अवेलेबल होता है, नेक्स्ट लो कॉस्ट पे पड़ता है इस वजह से. हाउ एवर बर्निंग ऑफ वुड गिव अ लॉट ऑफ स्मोक, लेकिन हमें जो वुड बर्न करते हैं तो बहुत ज्यादा उसके अंदर से स्मोक निकलता है, हार्मफुल गैसेस निकलती है, विच इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग ऑल्सो. तो वो एनवायरमेंट के साथ में ह्यूमन बींग को भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है. इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो जो ह्यूमन्स है उनमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उनको कॉज कर देता है. एंड ट्री प्रोवाइड अस विद यूजफुल सब्सटेंस विच आर लॉस्ट व्हेन वुड इज यूज्ड एज अ फ्यूल. जो ट्री है वो यूजफुल सब्सटेंस हमें देते हैं विच आर लॉस्ट, जो जिनको हम लॉस्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं वुड को फ्यूल के जैसे यूज करके. मोर ओवर कटिंग ऑफ ट्री लीड टू डिफोरेस्टेशन, इसीलिए वुड्स का या ट्री का क्या हो रहा है, लगातार कटिंग हो रही है, डिफोरेस्टेशन वाली सिचुएशन आ गई है, विच इज क्वाइट हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, जो क्या है, हार्मफुल है हमारे एनवायरमेंट के लिए. क्लियर? अब देखिए, फ्यूल वो यूज करना है जिसके अंदर क्या नहीं हो, जिसके अंदर हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं करता हो. ऐसा फ्यूल यूज करना है जो हार्मफुल चीजों को यूज नहीं करता हो, ठीक है. दीज फाइन पार्टिकल आर डेंजरस, जैसे ही हम फ्यूल को बर्न करते हैं उसमें से कुछ फाइन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं जो बहुत डेंजरस होते हैं, पॉल्यूटेंट कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा, और वो हमें पॉल्यूटेंट के कारण कुछ हमें रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती है जैसे अस्थमा. कुछ फ्यूल क्या होते हैं, इनकम्प्लीट कम्बशन होता है कुछ फ्यूल्स का, और उनके इनकम्प्लीट कम्बशन के कारण ऑफ दिस फ्यूल गिव अ कार्बन मोनोऑक्साइड. जब फ्यूल का इनकम्प्लीट कम्बशन होता है कुछ फ्यूल्स का, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कंपैरिजन में हाईली पॉइजनस गैस होती है, ठीक है. तो हाईली पॉइजनस गैस होती है, इट इज अ वेरी पॉइजनस गैस, इट इज अ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ कोल्ड, सॉरी क्लोज्ड रूम. तो ये बहुत डेंजरस है, अगर हम बंद कमरे में किसी कोल को अगर हम बर्न कर रहे हैं तो वो क्लोज रूम के अंदर, तो ये बहुत डेंजरस हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाती है, और जो भी पर्सन उस रूम में है वो क्या हो सकते हैं, कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम. उस रूम के अंदर जितने भी पर्सन है वो क्या हो सकते हैं, डेड हो सकते हैं, किल हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में जल्दी बाइंड करता है किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से. तो ये जब सांस में हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड आती है तो ब्लड जल्दी से बाइंड हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करता है, जिसके कारण जो भी पर्सन उस बंद कमरे में सो रहे हैं उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है. अब ये कह रहे हैं, also that's why we are advised never to sleep in a room with burning of smoldering coal fire in it. जब हम क्या करें, कोल को फायर से, कोल से फायर को कर रहे हैं या रूम को गर्म कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें रूम को बंद कर नहीं सोना चाहिए. नेक्स्ट थर्ड इज कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड. काफी फ्यूल्स का कंबशन होने पर वो कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, जिससे इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर बिलीव टू कॉज दिस ग्लोबल वार्मिंग. अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सपोज कीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ के सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड जो है
वो क्या करती है, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन एनवायरमेंट में क्या हो रही है, रिलीज होती जा रही है, और जिसके कारण वो एक ब्लैंकेट के जैसे पूरी अर्थ को क्या कर रही है, कवर कर रही है। ठीक है, अब जब ये पूरी अर्थ को कवर करती है तो हीट सन से तो हीट क्या होती है, अंदर की तरफ आ जाती है, लेकिन जब ये हीट वापस एनवायरमेंट में जा रही होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो उसको क्या कर लेती है, इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो तो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ ग्लोबल वार्मिंग, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो एनवायरमेंट का टेम्परेचर क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर ऑफ द अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या हो रहा है, हमारी अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। दिस रिजल्ट अमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स, जिसके कारण पोलर ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, विच लीड टू अ राइज इन द सी लेवल, जिसके कारण सी लेवल हाई हो रहा है, causing flood in a coastal area, coastal area में बाढ़ आ रही है, low lying coastal area में even a permanently submerged underwater, जो low lying पे area पे जो नीचे की तरफ जो coastal areas हैं वो लगभग पानी के नीचे जा चुके हैं, यानी हमारे अर्थ का जो भी पार्ट है वो क्या हो चुका है, उस पानी के नीचे जा चुका है। फोर्थ पॉइंट है, बर्निंग ऑफ कॉल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड। जब कॉल और डीजल बर्न होते हैं ना तो कौन सी गैस रिलीज करते हैं, सल्फर डाई गैस रिलीज करते हैं। इट इज एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस, ये बहुत सफोकेटिंग है और बहुत इरिटेटिंग गैस होती है। मोर ओवर पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, और कुछ पेट्रोल जो है जब इंजन में व्हीकल्स के इंजन में बर्न होता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड की ऑक्साइड फॉर्म जो नाइट्रोजन का होता है उसको रिलीज करता है। अब ये जो ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व इन रेन वाटर, अब जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स होते हैं या सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो एनवायरमेंट में ऊपर की तरफ रिलीज हो जाता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है NO2। ठीक है, तो जब ये एनवायरनमेंट में जाते हैं और उसके बाद में जब बारिश हो रही होती है तब ये उस रेन के साथ में बहते हुए वापस कहाँ आ जाते हैं, अर्थ के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एसिड रेन है, जो पानी के साथ में रेन के साथ में जो ये एसिड है, ये HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 बना देते हैं, रेन वाटर के साथ में मिलकर एसिड फॉर्म करते हैं और उनके साथ में नीचे की तरफ आते हैं, तो उसको ऐसी रेन को हम क्या बोलते हैं, सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। That is a very harmful to crop, building and soil. ये बहुत harmful होती है crops के लिए, buildings के लिए and soil के लिए। देखिए हाँ, crops के लिए कैसे भाई, ऐसे crops के ऊपर गिरेगा तो खराब हो जाएगी। Buildings आपने monuments पे देखा होगा, ताजमहल का white marble है वो येल्लो होता जा रहा है इसी acid rain के कारण, क्योंकि उसके आस पास बहुत factories हैं इस वजह से। और soil में जब acid जाएगा तो soil कैसी हो जाएगी, acidic in nature हो जाएगी, तो उसको हमें treat करना पड़ेगा कोई base से ताकि वो प्रॉपर हो। तो सॉइल क्या हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है ज्यादा एसिडिक होने के कारण, तो सॉइल के ऊपर भी हार्मफुल इफेक्ट होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट क्लास 7, ये सब आप क्लास 7 से पहले ही पढ़ के आ चुके हो। द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, जो डीजल और पेट्रोल का यूज कर रहे हैं हम किसके अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं। ठीक है, इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ CNG, धीरे धीरे अब इसको रिप्लेस किया जा रहा है CNG से, कंप्रेस नेचुरल गैस से इनको रिप्लेस किया जा रहा है, बिकॉज CNG प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट एंड वेरी स्मॉल अमाउंट। जो CNG है जब बर्न होती है तो बहुत ही कम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में हार्मफुल प्रोडक्ट्स को रिलीज करती है, इसीलिए CNG को एक क्लीनर फ्यूल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्लीनर फ्यूल। क्यों बोलते हैं क्लीनर फ्यूल, क्योंकि ये क्या करता है बेटा, क्योंकि ये एनवायरमेंट में लेस पॉल्यूटेंट्स को क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, क्लीनर फ्यूल। ओके, नाउ आवर चैप्टर इज एंड, आई थिंक ऑल आर अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट इन दिस चैप्टर।